यीशु अपने चेलों को लेकर प्यारो झील के दूसरे किनारे गए। झील के दूसरे किनारे जाना मतलब वहां कुछ नहीं है। सिटी से, शहर से, गांव से दूर बंजर इलाका, और वहां जब गए अचानक से चेलों को याद आता है हम खाने पीने का सामान लेना भूल गए, हमारे पास कुछ नहीं है, इलाका बंजर है, क्या खाएंगे, कैसे पूरा दिन निकालेंगे, कैसे इस इलाके पे सर्वाइव होंगे, गांव से दूर है, कुछ भी आसपास खाने पीने को नहीं है। जब चेले ये सोच रहे थे कि हम खाना भूल गए, तब यीशु उनके मन के विचार जान लेते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं, क्या आप भूल गए, क्या भूल गए, मैंने 5,000 को खिलाया था, क्या भूल गए, मैंने वो कुछ छोटा सा जो टिफिन था, 2 मछली 5 रोटी, उससे 5,000 को खिलाया था। प्रभु दूसरा प्रश्न पूछते हैं, क्या भूल गए, मैंने 4,000 लोगों को भी खिलाया था, एक बार नहीं 2 बार मैंने कमाल के काम किए थे। और अभी आप ये मन में सोच रहे हो कि हमारे पास खाने को नहीं, हम क्या खाएंगे। यारो हम वे लोग हैं जो यीशु के कमाल के काम बार बार भूल जाते हैं और इसलिए चिंता में डूब जाते हैं। चिंता हम पर हावी हो जाती है, निराश हो जाते हैं। हाथ उठाकर कहे, यीशु तेरे कमाल के काम में भूलू नहीं। 2 बार अद्भुत काम किए, 2 बार रोटी खिलाई, जब रोटी ही नहीं थी, खाना ही नहीं था, भरपेट 5 स्टार जैसा खाना खिलाया, लेकिन फिर भी चेले भूल गए कि वो यीशु हमारे साथ है, जिसको खिलाने के लिए रोटी की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यीशु को अपनी परिस्थिति से मजबूर मत करिए, यीशु को अपनी परिस्थिति से मजबूर न करिए, मन में ये न सोचे कैसे होगा, क्योंकि जहां कुछ नहीं हो सकता वहीं तो यीशु कमाल के काम करता है। वही तो कमाल है प्यारो, जहां संभावना नहीं है लेकिन कुछ हो जाता है, और यीशु कमाल के काम करने वाला खुदावंत है। आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर मन में आप सोच रहे हो क्या होगा, कैसे होगा, हाथ में कुछ नहीं, यीशु के कमाल के काम भूलिए नहीं। यीशु ने उनसे कहा, मैंने 5,000 को खिलाया था, 4,000 को खिलाया, आप भूल गए, क्या आप भूल गए, यीशु ने आपके जीवन में कितने अद्भुत काम अभी तक किए हैं, क्या आगे वो नहीं करेगा। हाथ उठाकर कहे, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरा पूरा जीवन तेरे कमाल के कामों की गवाही बनेगा, प्रभु मेरा पूरा जीवन तेरे कमाल के काम में देखूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो कमाल के काम सिर्फ भूतकाल में करने वाला नहीं, वो कमाल के काम हर रोज करने वाला खुदावंत है। हालेलुया।